नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। आबकारी पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, 1000 अंग्रेजी शराब की पेटी बरामद। मथुरा, होली और ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर शराब तस्करों ने भी अवैध शराब की खपत शुरू कर दी है। शनिवार सुबह मॉन्ट टोल प्लाजा से होकर ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप को आबकारी पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ी गई है। अगर सूत्रों की माने तो चंडीगढ़ से अंग्रेजी शराब की 1000 पेटी लेकर बंद बॉडी ट्रक में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि होली और आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर इस तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। आबकारी पुलिस पकड़ी गई शराब की कीमत 50 लाख से अधिक बता रही है। वहीं कार्रवाई की जानकारी देते हुए डिप्टी आबकारी अधिकारी ने बताया, चुनाव और होली को देखते हुए आबकारी की टीम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, ऐसे ही अवैध तस्करी को आगे भी रोकते रहेंगे। पेश है मथुरा के संवाददाता अनुरुद्ध शर्मा की यह खास रिपोर्ट। बड़ी मात्रा में कितनी शराब थी और कहां से आ रही थी? जी, अभी होली के त्यौहार को सीजन करते हुए पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब की रोकथाम के लिए। और ऐसी सूचना हम लोग को मिल रही थी कि होली के त्यौहार पे अवैध शराब की खेप आ सकती है, तो हम लोगों ने टीम लगाई थी। हमारी और पुलिस की दोनों भी टीमें थी, तो एक ट्रक पकड़ी गई जिसमें 1000 पेटी अवैध शराब थी, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कितनी कीमत होगी पकड़ी हुई शराब की? पकड़ी शराब की कीमत लगभग 40 लाख। कहाँ से कहाँ तस्करी के लिए ले जा रही थी? ये अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें। फिलहाल ये चंडीगढ़ से आ रही थी और इसको बताया गया था ड्राइवर को कि बाद में आपको बताया जाएगा कहाँ डिलीवर करना है। कितनी पेटी होंगी इसमें? तो इसको ये माने कि होली के लिए या चुनाव के लिए? दोनों के लिए हो सकती है, अभी ये क्लियर नहीं है कि होली के लिए थी कि चुनाव के लिए थी। तो कैरियर है ये बेसिकली, तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आएगी। जिन लोगों ने पकड़ी है टीम में कौन कौन थे इसमें? इसमें हमारे अनंत कुमार मिश्रा थे, बाबुल चौधरी थी, विकास थे और पुलिस के टीम भी थी। हमें